स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, मैं व मेरा पर। वो चर्चा हमारी अधूरी रह गई थी, लेकिन मैं व मेरा पर एक कुछ पंक्तियां हमने एक प्रवचन से ली हैं प्रज्ञान पुरुष की। उन पंक्तियों को पहले सुन लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा में गए थे एक और उनकी प्रवचन में, जो कुछ पंक्तियां थीं बुलेट आकार में हमने रखी थीं, उनको पढ़ रहे थे कि हमारा समय समाप्त हो गया था। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। हमारी जीवन में मैं और मेरा दोनों है, सब कोई मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है और मेरा क्या है? मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मेरा क्या है, शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार चित्त प्रकृति, ये सब को व्यवहार करता है मैं। प्रवचन में हमने सुना बाबा ठाकुर कह रहे हैं हमारे जीवन में मैं और मेरा दोनों हैं, सबका मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है, मेरा क्या है? मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये गौर करने वाली बात है, मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। मेरा क्या है? शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त प्रकृति, इन सब को व्यवहार करता है मैं। अब हम इस मैं और मेरा के व्यवहार के बारे में देख रहे थे कि मैं और मेरा किस तरीके से एक दूसरे के साथ युक्त हैं, और ये मैं व मेरा के व्यवहार को हम आगे बढ़ा रहे थे। तो हम उस जगह पे थे जहाँ पे प्रज्ञान पुरुष हमें कहे कि सांसारिक जीव है मेरा प्रधान मैं, ईश्वर है मैं प्रधान मेरा, परमात्मा है मेरा शून्य मैं। अब हमने यहाँ चर्चा की थी कि कैसे सांसारिक जीव मेरा प्रधान मैं है, मैं का व्यवहार जरूर कर रहा है लेकिन मेरा की जिंदगी जी रहा है। किस तरह से? मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरी इज्जत इत्यादि इत्यादि, मेरे आत्मीय स्वजन, मेरे दोस्त, मेरा ये मेरा वो, इसके साथ हमारा जीवन कंटिन्यूसली चलता रहता है। हम अपने मैं का ख्याल करने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। इनफैक्ट मेरा को ही, मेरा देह जब बोलता हूँ, मैं अपने आप को शायद ये देह ही समझता हूँ। मेरे इंद्रिय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ये सारी चीज़ें मेरा मैं बोलता ज़रूर हूँ लेकिन इसको मैं रूप से मान लेता हूँ। लेकिन मैं और मेरा अलग है। इससे जो उच्च अवस्था है वो मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर मेरे केंद्रीय जगत की अवस्था जो ईश्वरीय जगत है, वहाँ पे क्या है? कह रहे हैं ईश्वर है मैं प्रधान मेरा, मेरा प्रधान मैं जीव, मैं प्रधान मेरा, अर्थात मैं में प्रतिष्ठित मेरा ईश्वर, मैं में प्रतिष्ठित रहकर मेरा रूप से समस्त जगत को बना रहे हैं, चला रहे हैं और वापस अपने अंदर समेट ले रहे हैं जब भी टाइम आएगा। तीन चीफ गॉडहेड्स, ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु चलाने वाले, शिव संहार कहते हैं हम लोग, ब्रह्मज्ञानी संहार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहते हैं विलीन कर लेने वाले, एसिमिलेट कर लेने वाले, डिसॉल्व कर लेने वाले। तो ये थ्री चीफ गॉडहेड्स हैं ईश्वर के गॉडहेड्स। उसके बाद डाउन द लाइन अलग अलग, जैसे एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन से उतर के सारी चीज़ें होती हैं कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैनेजर्स इत्यादि करते हुए क्लार्क पियोन एट्सेट्रा आ जाते हैं। उसी हिसाब से जगत का जो खेल है वो भी ईश्वर के अंडर, चेयरमैन ईश्वर के अंडर, इसी हिसाब से चलता है। लेकिन ईश्वर और जीव और जगत की बाकी जितनी जगत का प्रकाश है उन सब में इतना फर्क है कि ईश्वर अपने मैं को नहीं भूले, मैं में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहकर मेरा का खेल खेल रहे हैं। जीव अपने मैं को भूल गया, केवल मेरा के अंदर जी रहा है, जिसकी वजह से जीव इतने उतार चढ़ाव से गुजरता है, रोना धोना रहता है। आगे कहते हैं मेरा को ज्यादा पसंद करने वाले ज्यादा कष्ट उठाते हैं। ख्याल करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बातों को अपने जीवन के साथ। मेरा को छोड़ने से ही शांति पाते हैं, लेकिन मेरा बिना मैं कैसे हो सकता है?
इस प्रश्न के यथार्थ चिंतन से मनुष्य अपने को मेरा रहित एक अकेला पूर्ण पाता है। मेरा बिना मैं कैसे हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल हमारे साथ डेली की जिंदगी में होता है, लेकिन चूंकि हम इतने ज़्यादा जानते नहीं हैं इसके बारे में, ख्याल नहीं करते हैं इसके बारे में, इसलिए हम लोगों को परेशानी रहती है। वो अवस्था है हमारी गहरी नींद की, सारा मेरा समाप्त हो गया, हमें कुछ नहीं पता, कहाँ गया मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरी हर चीज़ जिसको लेके मैं जीता रहा जब तक मैं जागृत था, अवेकनिंग स्टेट में जिनको लेके जीता रहा, वो गए कहाँ, गहरी नींद में, लेकिन मैं हूँ जो सुबह उठ के बोल रहा हूँ बड़ी अच्छी नींद आई थी। तो मैं मेरा रहित हो जाता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, परमानेंट जो मेरा रहित होना है, यानी जगत में रहकर भी जगत के पार, देह में रहकर भी देह के पार, इंद्रियों में रहकर भी इंद्रियों के पार, मन के पार, मन है मन के पार हैं, तो ये हैं केवल ब्रह्मज्ञानी जिनका मेरा का इम्पैक्ट जीरो के बराबर है ही नहीं, क्योंकि मेरा उनको मैं रूप से दिखता है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, मैं व मेरा में जैसे हम बढ़ते चलेंगे। आगे कहते हैं, शरीर प्राण मन से लेकर प्रकृति तक सब मेरा है, मैं नहीं, मेरा का कोई सत्य रूप नहीं, केवल आभास रूप है। हमारी सारी अनुभूतियां केवल ज्ञान का आभास हैं, इसीलिए उसे ज्ञानाभास कहा जाता है। आगे कहते हैं, इस मेरा को छोड़कर गहरी नींद में हम शांत और अकेले हो जाते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके। उस वक्त संसार मन बुद्धि आदि की कोई क्रिया नहीं रहती है, लेकिन मैं रहता है, नहीं तो कौन सुबह उठकर कहता है कि बड़ी अच्छी नींद आई थी। विचार शुद्ध ज्ञान और गुरु कृपा द्वारा हमारा मेरा रूपी स्वभाव मैं रूपी स्वबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये एक छोटी बात गौर करने वाली है। हमारे कपड़ों का शरीर से संबंध है, हमसे नहीं, ठीक वैसे ही शरीर बुद्धि अहंकार आदि का मैं से कोई संबंध नहीं है। मैं देह प्राण मन बुद्धि अहंकार जीव या प्रकृति कुछ भी नहीं, न ये सब मेरे हैं, तो मेरा क्या है। लेकिन विश्लेषण करें तो देखेंगे मेरा कुछ भी नहीं है, मैं है हमेशा। ये ख्याल रखने वाली बात है, मैं है मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा बोल रहा हूं लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि आज है कल नहीं है, तो उसको मैं मेरा कैसे कह सकता हूं। एक्चुअली मैं मेरा उसी को कह सकता हूं जो मेरे को छोड़ के जा नहीं सकता है, जो मेरे को छोड़ के चला जा सकता है वह मेरा नहीं है, मेरे पास आया है। यह भी प्रज्ञान पुरुष की वाणी है किसी एक प्रवचन से, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा रूपी है क्या जो मेरे पास आया है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे कहते हैं, मैं बिना मेरा नहीं तो क्यों मैं पर निर्भर न रहे हम। देखिए गौर करिए, मैं बिना मेरा नहीं तो क्यों मैं पर निर्भर न रहे हम। जब मेरा मैं के बगैर है ही नहीं तो हम मैं पर निर्भर क्यों ना रहें। आगे कहते हैं, तब आत्मविचार के माध्यम अनुसंधान करते हैं लोग कि मैं कौन। ये मैं कौन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विचार और शुद्ध ज्ञान और गुरु कृपा द्वारा हमारा मेरा रूपी स्वभाव मैं रूपी स्वबोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। ज्ञान के ऊपर विज्ञान, उसके ऊपर प्रज्ञान, जो सब में व्यक्त नहीं होता है। अब मजे की बात देखिए, खेल का मजा कैसा है कि ये जो प्रज्ञान स्वरूप मैं है, पक्का मैं जिसे हम लोगों ने अक्सर कहा है हमारे इन कड़ियों में, ये पक्का मैं पूर्ण रूप से सबके अंदर जागृत होता दिखता नहीं है। हालांकि पक्का मैं हमेशा जागृत है, पक्का मैं कभी सोता नहीं है, पक्का मैं को कोई जगा भी नहीं सकता है, वह स्वयं पूर्ण है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्धाई के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे पक्का मैं को हम लेते फिर रहे हैं अपने ही साथ अपने ही अंदर, लेकिन ना वाकिफ होके, और जिन चीज़ों के हम वाकिफ हो रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, वो हमें रोज का रोना धोना, रोज का टेंशन एंग्जाइटी में डाल रहे हैं। मजे की बात देखिए, अगर थोड़ा मैं के बारे में सोच बढ़ा देते हैं तो मेरा जो है साथ साथ चलता रहेगा,
लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। अंत में कहते हैं, प्रज्ञान स्वरूप का ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से अलग है, जैसे मछली जल में है लेकिन अंदर उसके जल नहीं। सूत्र है, देह में रहकर भी देह के पार, गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थी के पार, संसार में रहकर भी संसार के पार। अब एक जो मेरे मित्र पहली दफा सुन रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अजूबा लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे एपिसोड पहले कर आए हैं जिनमें हमने इन बातों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनते रहिए, क्योंकि इस विद्या में और कुछ करने का नहीं है। ये केवल श्रुति विद्या है, श्रवण के माध्यम से भूली हुई हमारी याददाश्त हमारे आत्मस्वरूप की हमारे पास वापस आ जाती है। आगे अंत में कहते हैं, इस विचार माध्यम जीवन पूर्ण मुक्त अखंड मैं में प्रतिष्ठित हो जाता है, यही है जीवन की पूर्णता, मुक्ति और शांति। अब हमें अगर इतना पता चल गया कि ये मेरा में रहकर मैं में प्रतिष्ठित हो सकता हूं, या इस बात को मैंने मान लिया, मेरी समझ में आया नहीं लेकिन मैं इसको मान के बढ़ता हूं। देखिए, मान के बढ़ने वाली जिंदगी हम बचपन से पैदाइशी से जीते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमें बताया जाता है माँ के द्वारा कि ये तुम्हारे पिता हैं। माँ रूपी कौन है वो भी हमें पता नहीं होता, लेकिन जब तक हमारा इतनी क्लोज माँ आ जाती है मेरे कि मैं हमेशा माँ का चेहरा देखता हूँ, स्पर्श पाता हूँ, माँ उंगली से चटा चटा के खाना खिला देती हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बहुत क्लोज हो जाता हूँ। फिर उसके बाद माँ जो शब्द है मेरे मुंह से निकलता है और मैं मानने लगता हूं कि ये जो लेडी हैं ये मेरी माँ हैं। उसके बाद माँ पिता से परिचय करवा देती है, तो हर बात मैं मान रहा हूं। याद रखिएगा, मानने से मेरी जिंदगी शुरू होती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता हूं, जब मन बुद्धि अहंकार मेरा एक्सपैंड होता है, लेकिन ये एक्सपेंशन केवल मटीरियल जगत का एक्सपेंशन है, ये रियल एक्सपेंशन नहीं है। जब एक्सपेंड होता है तो मैं समझने लगता हूँ मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इत्यादि एक किस्म की सोच हमारे अंदर आ जाती है। जब ये सोच आ जाती है तो मेरा मानना धीरे धीरे कम होने लगता है, जानने की कोशिश बढ़ने लगती है। ये बगैर माने जो जानने की कोशिश है, ये हमको बहुत तकलीफ देती है जीवन में, और हम सब लोग इसके शिकार होते हैं। मान लें कोई विपरीत अवस्था मेरे सामने आई, किसी ने मेरे साथ विपरीत किस्म की बातचीत कर ली, मैं अगर उसको चैतन्य की प्रतिमूर्ति मान लूं जैसे मैं खुद ही हूं, या मैं उसके अंदर भी है लेकिन उसके अंदर से मैं प्रकाशित ऐसे हो रहा है जो मुझे सूट नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सोच अगर मेरे अंदर जगती है, ये भावना मेरे अंदर जगती है, तो मानना मेरे लिए आसान होगा। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बुरी बातें हो रही हैं, तो मैं वहाँ से शुरू शुरू में निकल के चला जाऊँगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं इस बात को मान लूँगा, समस्त जगत की हर अनुकूल प्रतिकूल अवस्था को मान कर जीवन जीने के काबिल हो जाऊँगा। ये अवस्था आती है महापुरुषों में, ब्रह्मज्ञानियों में, अवतार पुरुषों में, जिनके बारे में हमने सबने कुछ न कुछ पढ़ा है। मानते उनको हैं, चाहे उनको देखा नहीं, लेकिन उनका एक रूप इमेजिन करके हम मान लेते हैं और मान के आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हम बढ़ रहे हैं मैं व मेरा को लेकर, और भी डिटेल में, और भी गहन चर्चा हम मैं व मेरा पे करेंगे हमारी अगली कड़ियों में। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। काम है
चैतन्य सर्व सम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव ब्रह्म आत्मा ईश्वर परम विशुद्ध चैतन्य सर्व सम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव सर्व बोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है मैं काया भास अहंकार अभिमान का मैं वो है चिदाभास गुणाधीन अंतकरण बुद्धि मान अहं देव आत्मा का मैं पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण गुणी अंतर्यामी पक्का मैं है सनातन सर्व बोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है अहं देव ब्रह्म आत्मा ईश्वर परम विशुद्ध चैतन्य सर्व सम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव अहंकार का मैं है जीव का मैं कल्पना प्रधान गुणाधीन कच्चा मैं है भ्रांति का कारण कच्चा मैं है अज्ञानी वो नहीं जानता पक्का मैं का साधन अज्ञान में है जन्म उसका अज्ञान में ही है मरण पक्का मैं है नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन प्रज्ञान नहीं है जन्म मरण उसका नहीं है कोई परिणाम सर्व बोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है अहं देव ब्रह्म आत्मा ईश्वर परम विशुद्ध चैतन्य सर्व सम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव मैं काम है अहं देव मैं काम है अहं देव ब्रह्म आत्मा ईश्वर